हेलो एवरीवन हमारा क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ फोर एलिमेंट पी क्यू आर एस आर सिक्स टेन ट्वेल्व और सेवनटीन रेस्पेक्टिवली विच टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड आप देखो पी क्यू आर एस इसका एटॉमिक नंबर सिक्स इसका एटॉमिक नंबर टेन इसका एटॉमिक नंबर ट्वेल्व और इसका एटॉमिक नंबर सेवनटीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करें तो टू और फोर इसका हो जाएगा टू एट इसका हो जाएगा टू एट टू और इसका हो जाएगा टू एट सेवन अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा एलिमेंट है जो कि कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है देखो कोवलेंट कंपाउंड तो कोवलेंट कंपाउंड कब बनता है जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने पर ही कोवलेंट बाउंड बनता है तो अब देखो पहला पी की बात करते हैं तो पी के आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन ये ना ही ट्रांसफर कर सकता है ना ही डोनेट कर सकता है ना ही एक्सेप्ट कर सकता है चार एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पर कोई भी एलिमेंट ना ही चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि इतना कैपेसिटी नहीं होता है इतना एनर्जी नहीं होता है कि चारों चारों वो डोनेट कर देगा अपने एनर्जी उतना नहीं होता कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकाल सके और अगर चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है क्योंकि एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता है कि ये स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या होता है एटम न्यूट्रल होता है पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल में होता है और इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है चारों तरफ तो क्या करता है एक दूसरे को पकड़ कर रखता है एक दूसरे को स्टेबल रखता है ठीक है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को स्टेबल करता है लेकिन अगर निगेटिव चार्ज ये चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को स्टेबल नहीं कर पाएगा और ये बैलेंस खराब हो जाएगा तो ये क्या करता है एक ही ऑप्शन है इसके पास शेयर करना शेयरिंग इसके पास एक ऑप्शन ठीक है दूसरा है क्यू इसका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कुछ भी नहीं करेगा ना ही शेयर करेगा ना ही ट्रांसफर करेगा मतलब कि नो रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं होगा और ये ना ही किसी तरह का शेयर करेगा ना ही कोई क्योंकि ये पहले से स्टेबल फॉर्म में है अब देखो आर के कंडीशन में क्या होगा आउटर मोशन में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये शेयर नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसके पहले वाले फॉर्म में फॉर्म में में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है है स्टेबल अगर ये स्टेबल फॉर्म में कब आएगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो डोनेट करेगा ये डोनेट जब भी करेगा डोनेट और एक्सेप्ट जब भी होगा तो वहां पर क्या होगा वहां पर शेयरिंग नहीं होगा डोनेट और एक्सेप्ट जब भी होगा तो वैसे स्थिति में शेयरिंग नहीं होगा वहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ऐसे स्थिति में यह भी हमारा सही नहीं है और क्लोरीन के आउटर मोट सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है तो इसको नीड है एक इलेक्ट्रॉन का तो ये शेयर भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है दोनों चीज कर सकता है शेयर भी कर सकता है एक्सेप्ट भी कर सकता है क्योंकि इसको नीड है सिर्फ क्या है एक इलेक्ट्रॉन का तो देखो कैसे होगा जैसे पी है पी के आउटर मोट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन है और हमारा एस है एस के आउटर मो सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन पहले से ही सेवन इलेक्ट्रॉन पहले से ही है ये आपस में ऐसे अगर शेयर कर लेगा तो ये क्या होगा एस का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन P का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ P चार इलेक्ट्रॉन पहले से है लेकिन S के साथ शेयर करने से इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया पांच हो गया तो उसी तरह वो दूसरे इलक... S से भी शेयर करेगा दूसरे S से शेयर करेगा तो इसका जो पांच था वो अब छ हो गया ठीक है P के पास छह इलेक्ट्रॉन हो गया उसी तरह तीसरे एस से, से शेयर करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ के सात हो जाएगा ठीक है और उसी तरह चौथे अगर एस से ये शेयर कर लेगा तो इसका ये आठ हो जाएगा इस तरह से चारों एस का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और पी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो शेयरिंग हो रहा है पी और एस में तो पी और एस में शेयरिंग अगर हो रहा है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पी एंड एस और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दैट्स ऑल थैंक यू